फाटक पर होने वाले हादसे को रोकने के लिए युवा राष्ट्र निर्माण वाहिनी संस्था के प्रधान एवं युवा नेता सुशील तिवारी ने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के द्वारा लोगों को बंद फाटक को पार न करने की नसीहत दी है। जल्दबाजी के चलते देश भर में लोग बंद फाटकों के नीचे से अपने टू व्हीलर निकालने के चक्कर में अक्सर हादसों के शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। इसे रोकने के लिए युवा नेता सुशील तिवारी ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए लोगों को जगाने का प्रयास किया है। इस डॉक्यूमेंट्री में यह दिखाया गया है कि कैसे लोग जल्दबाजी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। ये वीडियो भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हरभजन सिंह भज्जी को इतनी ज्यादा पसंद आई है कि उन्होंने लोगों से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व देखने की अपील की है। उन्होंने इस वीडियो के लिए युवा नेता सुशील तिवारी की प्रशंसा की और उन्होंने कहा है कि बहुत जरूरी है जब रेलवे फाटक बंद हो तो उसे क्रॉस मत करें, क्योंकि उसे आपकी जान जो है जा सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। और ऐसे कई हादसे हुए हैं जहां बहुत से लोगों को अपनी जान होनी पड़ी है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2 मिनट से आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आप कहीं लेट हो रहे हो और आपको घर से जल्दी निकले। यह मेरा छोटा सा सुझाव है, हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसके कारण आपकी जान जाए या फिर आपके पीछे आपके जाने के बाद आपके घर वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़े। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और जो भी मेरे भाई सुशील तिवारी ने इस वीडियो को बनाया है उसे स्वीकार करें। तकरीबन सभी लोगों को अपने काम पे जाने की या अपने घर आने की जल्दी होती है, जिसकी वजह से वो रेलवे के नियमों को भी तोड़ते हैं। ऐसे ही ये दोनों, इनको भी एक पार्टी पे जाने की बहुत जल्दी है, मगर रास्ते में एक रेलवे फाटक पे इनके साथ क्या हुआ चलो देखते हैं। चल कोई ना, वेट कर ला यार, फाटक लगे दा आजकल किधर को टाइम, तू डरपोक ही नहीं भरावा। ओ खड़ जा भरावा, ट्रेन आनी लगी, मैं थलो कड्डे लगा, चंगा आ जी। नहीं आ जी, आ जी। ओ इन्नी काली किथे दी आ, खड़ जा एक मिनट। मैं ना वीरे, इन्नी की जल्दी आ, जेड़ा तो 2 मिनट वेट भी ना कर सकया, ट्रेन दी आउंदी, पार्टी इन्नी जरूरी हो गई है। पार्टी? तानू किदा पता लगा मैं पार्टी ते जा रहा? तेरे कपड़ियां तो पता लगे तू पार्टी ते जा रहा। की गल, तेरा दोस्त उत्थे खड़ा, ए किदे ना लगे उन्ने पार्टी ते नहीं जाना ओ ता डरपोक आ, कहंदा फाटा खुलेगा ते फिर मैं आऊंगा। नाल अजकल टाइम किरे को, फाटा खुलेगा फिर आवांगे फिर जावांगे, नाल मैं भी पार्टी ते जाना, चलो तुसी भी जाओ। जिसनू तू डरपोक समझ रहा ना, वो डरपोक नहीं, वो समझदार है। किसे टाइम मैं भी किसी नू डरपोक समझदा सी, पर आज मैनू पता लगा कि वो डरपोक नहीं, वो समझदार सी। मैं कुछ समझिया नहीं। आज तो 2 दिन पहला मैं भी अपने यारा दोस्त नाल इसे फाटक तो लंघ रहा सी, इसे तरह फाटक बंद सी, तेरे वांग मैं भी ट्रेन दी आउण दी वेट नहीं कर पाया ते अपना बाइक फाटक थल्लों लंघा रहा सी। मेरे यार दोस्त मैनू रोकदे रहे पर मैं किसी दी ना सुनी। उधरों ट्रेन आ रही सी, मेरे यार दोस्त मैं बचाने वास्ते भजे भी, तो मैं ट्रेन को देख के बाइक और तेज कर लिया, तो उधरों ट्रेन आ गई। तुसी फिर बच किदा गए? बच के भी गया। आज सवेरे जो तू पार्टी वास्ते तैयार हो रही सी ना, तेनू व्हाट्सएप ते एक मैसेज आया सी। हाँ आया सीगा, खोल के दा देख। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना हरभजन और आज एक सुशील कॉल्स के लिए मैं मैसेज लेके आया हूँ, जो कि मेरे दोस्त सुशील तिवारी जी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसके आधार पर मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ। वैसे तो उस अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना ज़रूरी है कि जब रेलवे क्रॉसिंग का फाटक लगा हो तो आप क्रॉस बंद करिए, क्योंकि उससे आपकी जान।
ऐसे कई हादसे हुए हैं जहाँ बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है दो या चार मिनट से आपकी जिंदगी में कोई ऐसा फर्क पड़ने वाला है। अगर लेट हो रहे हो तो छोटा सा सुझाव सबको हर जगह दोस्तों मैं थोड़ा वीर हंसराज हंस बड़ा अजीबो गरीब लग रहा शेयर करना थोड़ा जदों मैं वेखदा लाशां इहो गल याद आउंदी है चले जल चाब ना सब ने चले चले याद आउंदी है पर अन्यायी मौते जदों लोग मरदे आ बिना किसी वजह जिवें कि रेलवे हादसा होया अमृतसर होया ਕਿੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਦੋਸਤੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਰੋਸਿੰਗ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ एकदम सुरक्षित बनाया जाए जी रेलवे के लांघे है। मैं अरदास करदा सच्चे पातशाह गर्ज बरस प्यासी धरती पे फिर पानी दे मौला चिड़ियों को दाना बच्चों को गुड़दानी दे मौला तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो हम जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला ऐ रब्बा सब नू तंदुरुस्ती बख्श सब दे बच्चे ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਮਾਵਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਾਟਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਰਾ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੁਣ 2 ਕਿਲੋ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਏਡੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਫਾਟਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਓ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਟਿਕਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ